और देखिए ये प्लांट आपने देखा ही होगा, एडेनियम की ग्राफ्टिंग सिखाऊंगा। इस प्लांट से मैं जो साइन लेके, तो देखिए इसका पहले जो मदर प्लांट है जिसमें से ये ग्राफ्ट किया हुआ, आप ब्रिंग करेंगे तो प्लांट ऐसा बनेगा। ये देखिए इसको यहाँ से प्रून करते हैं, 1-2-3 इंच ग्राफ्ट करेंगे। देखिए कम से कम 3 का फ्लैट कट मार दीजिए दोनों साइड, नीचे भी मार रख दिया। अब जो है वो पॉलीथिन या फिर ग्राफ्टिंग टेप आपके पास जो भी हो उसको इस और वी ग्राफ्ट करेंगे। मैं आपको वी ग्राफ्ट करके, और अब क्या करना है, मैक्सिमम सक्सेस रहती है। तो अभी आप, मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ग्राफ्ट किए थे, तो देखो तो दिखाई देगा यहाँ यहाँ। देखिए एक प्लांट पे मैंने 4-4 ग्राफ किया है, तो देखिए आप किए थे तो देखिए अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। देखिए सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और देखिए ये प्लांट आपने देखा ही होगा, ये फ्लावर तो एक्चुअली इसका जो मदर प्लांट है वो नहीं, ये ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट है। और आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एडेनियम की ग्राफ्टिंग सिखाऊंगा। इस प्लांट से मैं जो साइन लेके दूसरे प्लांट पे ग्राफ्ट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो देखिए इसका पहले जो मदर प्लांट है जिसमें से ये ग्राफ्ट किया हुआ, आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे फ्लावर है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फ्लावर है, लेकिन आप, मैं देखिए ये दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, उसमें आप देखिए बहुत सारे फ्लावर है, बहुत ही अच्छी वेराइटी है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हमें इसका प्लांट चाहिए। तो देखिए अभी तो मेरे पास इसका ग्राफ्टेड प्लांट है नहीं, मैं आज ही ग्राफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअली रूट स्टॉक नहीं है ज़्यादा। प्लांट तो है, मैं कितने सारे ग्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जिस पे ग्राफ्ट करने के लिए रूट स्टॉक चाहिए वो ही नहीं है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि ये इतने छोटे से प्लांट को मैं क्यों कट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों मुझे ग्राफ्ट करना है इसलिए मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्लांट को जो है वो बुशी करना है, मतलब ज़्यादा ब्रांच वाला चाहिए, इसलिए मैं इसका जो है वो प्रूनिंग करने वाला हूँ। प्रूनिंग करूँगा तो ये ऊपर का हिस्सा बचेगा, तो इससे बेटर है कि अच्छी वेराइटी है तो मैं दूसरा प्लांट पर ग्राफ्ट कर दूँ। तो देखिए प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट ऐसा बनेगा। ये देखिए ये प्लांट मैंने जो हमारा प्रूनिंग वाले वीडियो में दिखाया था तब छोटा सा था, लेकिन प्रूनिंग के बाद देखिए इसमें से 4 ब्रांच बनी, 1-2-3-4, और देखिए कोडेक्स भी अच्छा खासा मोटा हो रहा है। तो प्रूनिंग का बेनिफिट यही है दोस्तों कि प्लांट जो है वो अच्छा खासा डेवलप होगा, कोडेक्स भी और ब्रांच भी हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो ये देखिए कोडेक्स ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और ये लंबी होती जाएगी, यहाँ से दूसरी ब्रांच भी नहीं निकलेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से प्रून कर दूँगा। देखिए यहाँ से इसके नीचे 4 पत्ते में रहने दूंगा और यहाँ से प्रून कर दूंगा, तो चारों में से हो सके तो 4 भी ब्रांच निकल सकते हैं या फिर 2 या 3 तो ज़रूर निकलेगी। तो चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से प्रून करते हैं, 1-2-3-4 4 नोड रहने देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 ब्रांच निकल सकती है। तो चलिए यहाँ से प्रून कर देता हूँ। देखिए आपका कटर शार्प होना चाहिए, मैंने इसकी ब्लेड अभी भी ही बदली है। और देखिए ख्याल रखिए आपको जो है वो कहीं ब्लेड से लग ना जाए। तो ये हो गया, अब इसको हम रहने देंगे। तो देखिए इस पार्ट से हम ग्राफ्ट करेंगे, देखिए कम से कम 3 से 4 कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा अभी, देखिए ये सारी जो ब्रांच है यहाँ से तक की वो थोड़ी कच्ची है तो उसमें सक्सेस कम होगा, लेकिन ये सारे पार्ट में अच्छा रहेगा और इंटरनोड थोड़े लंबे है तो हम जो है वो 2-3 ब्रांच वाला, 3 पत्ते वाला इंटरनोड रखेंगे। आप इतना भी रख सकते हो, कम से कम 3 इंटरनोड रखें ताकि जो है वो 2 से 3 ब्रांच निकल सके। तो चलिए मैं रूट स्टॉक दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमेशा मैच्योर रूट स्टॉक रखें, देखिए ये 2-3 साल के रूट स्टॉक है और देखिए आप इसके कोडेक्स से पता कर सकते हो कि ये अच्छा खासा मैच्योर है। देखिए ये जो है वो इनमैच्योर रूट स्टॉक पर ग्राफ किया हुआ है, मतलब ये 5-6 महीने का ही रूट स्टॉक होगा। देखिए आप इसकी लेंथ और साइज़ देखिए, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, इससे बेटर है आप इस तरह का रूट स्टॉक लीजिए तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। इस पर देखिए पहले ग्राफ्टिंग की थी वो अनसक्सेसफुल रही, तो इस पर मैं दूसरी बार ग्राफ्टिंग कर दूंगा इस वेराइटी को। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि जिस पर हम ग्राफ्ट करते हैं इसको रूट स्टॉक कहते हैं, और जिसका ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम ग्राफ्ट करते हैं उसे साइन कहते हैं। मतलब देखिए इसमें से हम जो लेंगे इसको साइन कहा जाएगा और इस पर हम ग्राफ करेंगे तो इसको रूट स्टॉक कहा जाएगा। तो हमेशा मैच्योर रूट स्टॉक लीजिए। तो चलिए इसमें से ग्राफ्टिंग के लिए आज मैं जो है टेबलेट ग्राफ्टिंग ही दिखाऊंगा, और वी ग्राफ्टिंग दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसमें से मैं 3 पट्टों जितना इंटरनोड लूँगा।
तो देखिए यहाँ से मैं इसको फ्लैट कट मारूंगा। आपको ऐसी जगह रखिए और वहाँ पे रख के आप इसको इस तरह का फ्लैट कट मार दीजिए, दोनों साइड नीचे भी मार दीजिए। और जो पत्ते है उसको कट कर दीजिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल है ग्राफ्टिंग दोस्तों, टेबलेट ग्राफ्टिंग जो है वो। तो देखिए रुचक रहा, ये हमारा साइन रहा और इसको हमने इस तरह से ऊपर रख दिया। अब जो है वो पॉलीथीन या फिर ग्राफ्टिंग टेप आपके पास जो भी हो उसको इस तरह से रखिए और थोड़ी कस के इस तरह देखिए रख दिया और ये हो गया। एक्चुअली मेरी बस मेरी थोड़ी ग्राफ्टिंग टेप छोटी पड़ रही तो मैंने दूसरा लेके इसके ऊपर इस तरह से कस के बांध दिया। तो देखिए दोस्तों ये हो गया। हमेशा ख्याल रखिए कि आप याद रखिए कि किस तरह का जो ऊपर का हिस्सा किस तरह का छोटा, मतलब आप इसको ऐसे मत ग्राफ करिए। ऐसे करोगे तो भी सक्सेस तो होगा ही, लेकिन जहाँ हो सके इस तरह का आप ऊपर की तरह रहे उसी तरह ग्राफ कीजिए और वो आप कट लगाते वक्त याद रखिए। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया है, दूसरा करके दिखाता हूँ। चलिए सेम प्रोसेस दोहराते हैं। इस पे चाहो तो मैं डबल ग्राफ भी कर सकता हूँ, देखिए इस ब्रांच पे भी और इस ब्रांच पे भी, लेकिन मेरे पास इतना साइन है नहीं तो आज मैं जो है इस पे सिर्फ सिंगल ग्राफ करूँगा। तो देखिए यहाँ से मैं ग्राफ करना चाहता हूँ तो बाकी सब ब्रांच जो है वो कट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का आप फ्लैट कट मारिए, इसको मुझे हटा देना है। आप यहाँ से ही हटा दीजिए, आप चाहो तो वहाँ ग्राफ कर सकते हो। चलिए साइन लेते हैं, ये हमारा साइन रहा, ये रूटस्टॉक इस पे रखा हमने, सीधा रखिए। एक्चुअली मेरा थोड़ा ये बेकार हो चुका है। ये हो गई ग्राफ्टिंग दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कोई बड़ी पॉलीथीन लेके उल्टी आपको ढक देनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट का जो पीसेस बचा उसे हम वी ग्राफ करेंगे, मैं आपको वी ग्राफ करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम फ्लैट ग्राफ कर नहीं पाएंगे। तो ये फ्लावर सारे हटा देते हैं और इसके ऊपर वी ग्राफ करेंगे। तो देखिए वी ग्राफ्टिंग के लिए मैं इस पर एक और कलर जो वेराइटी हो ग्राफ करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं जो ग्राफ करूँगा तो सबसे पहले इस तरह का फ्लैट कट मारिए, देखिए इस तरह से। फिर इस पर आपको क्या करना है, एक सीधा इस तरह का चीरा लगाना है, बहुत लंबा नहीं छोटा सा ही लगाना है, बस 1 सेंटीमीटर जितना। और अब क्या करना है, ये जो हमारा साइन था इसको यहाँ से थोड़ा छील लेना है, मतलब वी शेप में, ज़्यादा नहीं करना। इसका मैं रिजल्ट भी आपको अपडेट दूंगा, देखिए इस तरह से ही। और अब क्या करना है, जो हमने चीरा लगाया उसमें रख देना है। यहाँ पे आप हाथ मत लगाइएगा, बस इस तरह से ये हो गया। अब इसको कस के बांध देना है जकड़ के। और देखिए अभी गर्मी के सीजन में ग्राफ्टिंग जो है वो बेस्ट होती है, मैक्सिमम सक्सेस रहती है। तो अभी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, बारिश में थोड़ा कम मिलेगा सक्सेस। तो बस ये हो गया वी ग्राफ्टिंग। इस पे ऊपर मैं जो कल ग्राफ करूँगा, आज मेरे पास उसका जो स्टॉक है नहीं। अब इसको जो है ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना मिलती हो,
कम से कम एक हफ्ते तक रखना है, जहाँ जब तक आपको यहाँ से नया फूटा ना मिल जाए। और दूसरी बात, एक इस तरह की पॉलीथीन लेके इसके ऊपर इस तरह उल्टी ढक देनी है, बस और कुछ नहीं करना। और चलिए मैं कुछ जो मैंने पहले ग्राफ किया था उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सारे जो है वो मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ग्राफ किए थे। तो देखिए, इसमें आपको जो हो नया फूटा दिखाई देगा। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए, फिर ये देखिए, ये सारे फ्लैट ग्राफ थे। और ये देखिए, एक वी ग्राफ है, तो इसके ऊपर भी ग्राफ शुरू हो चुकी है और ये भी वी ग्राफ है। और देखिए दोस्तों, ये मल्टीपल ग्राफ्टिंग है, मतलब एक प्लांट पे मैंने चार चार ग्राफ किया है। तो देखिए, ये भी शुरू हो चुका है, देखिए आप, इस पर भी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है। अब देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो है वो 100% सक्सेस रेट इन सभी में मिला है। ये देखिए, सब मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है, नैनो की वेराइटी। और ये एक खास जो आप देख रहे हो, ये ताइवान मिनी है। तो ये सब मैंने ग्राफ किए हुए हैं, आप देखिए सभी में सक्सेस रहा है। और ये सारे प्लांट देखिए जो कि एक महीने पहले ग्राफ किए थे, तो देखिए अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, देखिए सभी में। देखिए ये दो सभी है, मतलब इसका जो मैंने साइन लिया था उसके दो तीन पत्ते वाला लिया था, थोड़ा लंबा, ताकि जो है दो तीन ब्रांच निकल सके। आप छोटा सा, बहुत छोटा लोगे तो देखिए इस तरह से लोगे तो एक ही फूटाव मिलेगा। इस पे देखिए, एक ही इंटरनोड था तो एक ही फूटाव मिला। तो बेटर है आप खुद के लिए ग्राफ कर रहे होंगे तो दो तीन इंटरनोड वाले लीजिए, ताकि जो है इस तरह का मल्टीपल ब्रांच वाला प्लांट मिले आपको पहले से ही। ये देखिए, ये सारे जो मेरे प्लांट है वो ग्राफ्टिंग से ही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है ग्राफ्टिंग समझ आ गई होगी। अगर और कोई क्वेश्चन आपके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जो है वो आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और कोई क्वेरी हो तो भी मुझे बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और कैसा लगा वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।